राधे राधे गुरुजी। हाँ वो मेरे माता पिताजी आए हैं बिहार से गुरुजी, तो जब दिल्ली पहुँचे ने तो मेरे छोटी बहन को वो था पूरा 9 महीना वो मतलब वो होने वाला था डिलीवरी, तो पेट में ही बच्चा उसका ख़त्म हो गया। तो मतलब मेरे माता पिताजी वो गुरु दीक्षा भी लेना चाहते थे और परिक्रमा करना भी आए थे और वो गौदान भी करने आए थे, तो क्या गुरुजी अब कर सकते हैं? क्या हो गया है? अब उसको पेट में ही बच्चा खत्म हो गया था गुरुजी। किसको? हमारी छोटी बहन को। कब? परसों, कल। अच्छा, हाँ, पेट में ही बच्चा खत्म हो गया। हाँ, पेट में ही बच्चा खत्म हो गया। फिर उनकी उनकी बच्चे की माँ तो सुरक्षित है? हाँ हाँ, वो तो सुरक्षित है, रोती है खूब। मेरी माँ भी आई है, वो भी दिल्ली पहुँची उसके बाद ही ऐसे हो गया, खूब रोती रोती है रही। कोई बात नहीं, ये तो मृत्यु लोक है, आना जाना सबका चलता है। जो भी आप पुण्य करना चाहें वो कर सकते हैं। भगवान का स्मरण, भगवान के चिंतन, किसी की हेल्प मदद करने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, तो गांव में सब बोलते हैं कि नहीं जाना चाहिए, अब भगवान को दर्शन करने के लिए। कोई बात नहीं, आप आए हैं दर्शन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो करवा सकते हैं, गुरु मंत्र ले सकते हैं? हाँ हाँ, ले सकते हैं। ठीक है। और मेरा वो लड़का थोड़ा सा वो करता है गुरु जी, वो पढ़ाई में भी नहीं मन वो करता है, और वो क्या बोलते हैं बीमार भी बहुत रहता है गुरु जी, और पूजा करना भी नहीं चाहता है। बात कराओ। राधे राधे गुरु जी। बीमार क्यों रहते हो बेटा? राधे राधे। बीमार क्यों रहते हो, क्या बीमारी है आपको? बार बार बुखार लग जाता है। अच्छा, योग नहीं करते आप? थोड़ा योग किया करो, योग अभ्यास करते हैं, थोड़ा खेलते हैं बच्चों के साथ? हाँ। क्या खेलना पसंद करते हैं? फुटबॉल। और बस? और भी खेला करो, कबड्डी खेला करो, और भी बहुत सारे गेम होते हैं, दौड़ भाग वाले खेला करो। जितना आप खेलेंगे, बच्चे जितना खेलेंगे, जितना दौड़ेंगे, जितना कूदेंगे, उतना स्वस्थ रहेंगे। थोड़ा खेल कूद ज़्यादा करो, योग ज़्यादा करो, अंकुरित अनाज खाओ। पूजा नहीं करते भगवान की? करता हूँ। अच्छा, माँ तो कह रही थी नहीं करते। भगवान की पूजा थोड़ा थोड़ा किया करो। आप किसी से कोई चीज़ लेते हो, जैसे पेन ले लिए, कॉपी ले लिए, या आपने किसी से हेल्प मांगी, तो हेल्प सामने वाले ने जब की आपकी, तो आपने उसको थैंक यू बोलते हो कि नहीं? हाँ। थैंक यू क्यों बोला जाता है? उसका धन्यवाद करने के। हाँ, उसी तरह भगवान ने आपको आँखें दी हैं देखने के लिए, कान दिए हैं सुनने के लिए, मुंह दिया है बोलने के लिए, पांव दिए चलने के लिए, तो उसका धन्यवाद नहीं करेंगे जिसने इतना कुछ दिया है आपको? हाँ। इसलिए उसका धन्यवाद करने के लिए भगवान के आगे बैठा करो। हे प्रभु, आपका धन्यवाद, है ना? भगवान की पूजा क्यों करनी चाहिए? इसलिए कि हम ईश्वर का थैंक यू करना चाहते हैं इन सब के लिए, कि ईश्वर ने हमें लंगड़ा नहीं बनाया, अंधा नहीं बनाया। कितने लोग लंगड़े, बहरे, अंधे, काने हैं, भगवान ने हमें स्वस्थ रखा है। तो इतना कुछ दिया है, तो उसके बदले एक थैंक यू तो कर ही सकते हैं ना भगवान को। करेंगे? हाँ हाँ, करना। राधे राधे गुरुजी।